हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस का जो चैप्टर है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, उस पर बेस्ड एक टेस्ट होता है विस्टास एम टेस्ट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका स्टेटमेंट और प्रूफ के जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की। क्या कहती है? अ सीरीज यू एन एक्स, जो सीरीज होगी वन से इन्फिनिटी तक होगी, ऑफ फंक्शंस विल कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन आई इफ़ दे आर एग्जिस्ट। ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस तभी हो पाएगी जब उसके अंदर एक कन्वर्जेंट सीरीज एम एन ऑफ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, एम एन हो जो कि पॉजिटिव कॉन्स्टेंट का हो, सच दैट कि जो मॉडुलस यू एन एक्स है ना, वो इसके अकॉर्डिंग वो हमेशा छोटा या फिर उसके बराबर हो एम एन के। फॉर ऑल एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग करे आई में। तो ये तो बात रही विस्टास एम टेस्ट के स्टेटमेंट की। चलिए अब इसके प्रूफ को देखते हैं। हमें प्रूफ देखिए, हमें स्टेटमेंट में ये बोला है कि हमारा जो ये एम एन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो हम ये लिखेंगे सिंस हमारा जो सीरीज़ एम एन है वो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, तो हम कोची प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। वो क्या कहती है कि इसके अकॉर्डिंग जो गिवन एप्सिलॉन होता है वो हमेशा जीरो से बड़ी होती है, यानी कि पॉजिटिव की होगी, उसके अंतर्गत देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग करेगा एन में, यानी कि एम एन प्लस वन यहाँ एन तक है, तभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एम एन प्लस वन प्लस एम एन प्लस टू प्लस एम एन प्लस पी। इसकी जो समेशन की वैल्यू होगी ना, वो हमेशा लेस देन होती है एप्सिलॉन से। फॉर ऑल एन जो होगा वो एम से बड़ा या फिर उसके इक्वल होगा, और यहाँ पर जो पी की वैल्यू होगी वो एक दो तीन अनंत तक जाएगी। बट जो स्टेटमेंट की हाइपोथेसिस ये है, हमारे पास जो यू एन एक्स है वो हमेशा लेस देन या इक्वल है एम एन के, है ना। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, ये बोल रखा है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारा सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यू एन एक्स है अब इसको देख ओपन करके लिखेंगे यू एन प्लस वन एक्स प्लस यू एन प्लस टू एक्स कहाँ तक, पी तक लेंगे। ओके, ये मॉडुलस के अंदर है और आपको एक स्टेटमेंट रिजल्ट पता होगा कि मॉडुलस ए प्लस बी जो होता है वो लेस देन इक्वल होता है मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी। तो इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये साइन लगाना पड़ेगा और ये सारे अलग अलग एक्सपेंड हो जाएंगे। तो यू एन प्लस वन एक्स का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर है, एम एन प्लस वन के, ये एम एन प्लस टू के और ये एम एन प्लस पी के। ये चीज इक्वेशन फर्स्ट से, ये देखिए एम एन प्लस वन एम एन प्लस टू इक्वेशन फर्स्ट से किसके बराबर है, लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन इक्वल एम एंड एक्स बिलोंग्स टू आई, तो आप बोल देंगे एंड में फॉर आर स्टैंडर्ड रिजल्ट समेशन यू एन एक्स कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली ऑन आई। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।